नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं होगी। जी हां, आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल देश भर में नया सिस्टम लागू करने जा रही है। आपको बता दें, नए सिस्टम के तहत अब सिर्फ बुकिंग कर देने से ही ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिलेगा। बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे, आपको एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी बॉय के पास ऐप होगा, जिसके जरिए वो रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा लेंगे और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा। नए सिस्टम से उन कस्टमर्स की मुश्किल बढ़ जाएगी जिनका पता और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों के सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। आपको बता दें, इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया गया है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम दूसरी सिटी में भी लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए जयपुर और कोयम्बटूर में पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में 95% से ज्यादा सफलता मिली है। नया सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।